गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास थर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर वन नंबर्स। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। यू कैन सी हियर प्रैक्टिस टाइम वन ऑन पेज नंबर 6। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ नंबर नेम्स दे रखे हैं। जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो आपको नंबर नेम उनके लिखने हैं, और जो नंबर नेम्स दे रखे हैं उनके आपको नंबर लिखने हैं। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे आपको ये नंबर देखिए, फर्स्ट का ए पार्ट देख रहे हैं, ये आपको दे रखा है 256। जैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा, ये जो हमारा प्लेस होता है इसका वंस होता है, ये टेंस होता है, और ये हंड्रेड होता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हंड्रेड पे हमारा टू है, उस हिसाब से 246 इसका नंबर नेम क्या बनेगा हमारा 246। चलिए मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखा देती हूँ, जो आपको आगे भी काम आएगा फिफ्थ क्लास में। ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वंस। वंस में हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में थाउजेंड, और टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, टेन करोड़। आपको इतने लंबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसमें थोड़ा ही यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करना सीखते हैं। देखिए जैसे इसका हम सी पोर्शन अगर देखें, यहाँ पे आपको नंबर नेम दे रखा है, इसका आपको नंबर फॉर्म करना है, तो 390। अगर हम इसे फॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे 300। हंड्रेड प्लेस पे अगर हम देखें तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, थ्री, तो हंड्रेड प्लेस हमारा ये वाला होता है। यहाँ लिखेंगे हम 300, देन 90, तो 90 हमारा नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 390, यानी कि 390। इसको हम फिल कर लेंगे 390, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन इस तरह से ये आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और सारा ही काम नोटबुक में होना चाहिए, पेयर नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, ये कह रहा है कि यूज़ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो हमें पता है जो हमारा ये सिंबल दे रखा है, ये ग्रेटर देन लेस देन होते हैं, जिस तरफ इनकी टेल रहती है उसका मतलब है ये नंबर छोटा है, और जिस तरफ इनका हेड रहता है वो नंबर बड़ा है। और इक्वल टू का यूज़ आप जानते हैं, जो नंबर दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उनके लिए हम इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हम फर्स्ट सेकंड का ए पार्ट देखें, यहाँ पे लिखा है 175, यहाँ पे लिखा है 140, तो आपको पता है 175 ज़्यादा होता है या 140 ज़्यादा होता है, 175 ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिंबल को इस तरह से लगाएंगे, हेड रखेंगे 175 की तरफ और टेल रखेंगे 140 की तरफ, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 140 छोटा है और 175 बड़ा है। इस तरह से बाकी के देखेंगे। बी पार्ट देखेंगे इसका, ये लिखा है 289, ये लिखा है 290, तो हमें मालूम है 289 छोटा होता है और 290 ग्रेटर होता है, तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अगर इसका सी पार्ट देखें हम, तो ये कह रहा है 374 एंड 374, तो हम देख रहे हैं ये दोनों नंबर सेम है, यानी इक्वल है, इक्वल के लिए हम इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी के आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, मींस नंबर आपको दे रखे हैं, इनसे पहले क्या आता है और इनके बाद क्या आता है। तो अगर आप देखें ए पार्ट देखें, यहाँ लिखा है 201, 201 से पहले आता है 200, सभी जानते हैं 201 से पहले आता है 200, और 201 के बाद आता है 202, ठीक है। बी पार्ट देखें, 768 इससे पहले आता है 767, और 768 इसके बाद जो आता है वो आता है 769। आप चाहें तो प्लस माइनस करके देख सकते हैं। अगर आपको बिफोर वाला नंबर निकालना है तो आप इससे माइनस वन करेंगे, और आफ्टर वाला नंबर निकालना है तो प्लस वन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर
फिल करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो ए पार्ट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 110 120, तो हमें पता है 110 और 120 के बीच में कितना गैप होता है 10 का, यानी कि 10 के स्पेस से हमें इस नंबर को आगे बढ़ाना है। 110 120, अब ये आगे जाएगा 130, इसके आगे जाएगा 140, इसके आगे जाएगा 150, इसके आगे जाएगा 160, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये नंबर देखेंगे, बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 25, आगे लिखा है 30, यानी कि ये नंबर जो है हमारा वो 5 के स्पेस से आगे बढ़ रहा है। 5 के स्पेस से हम आगे बढ़ा देंगे, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो वो बिल्कुल अपोजिट होता है, पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। तो हम यहाँ ए पार्ट करेंगे सॉल्व, इसको अगर देखें इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ये हमारे 472 है, ये 342 है, ये 111 है, ये 610 है, तो यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर 111 दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, 111 को लिख लेंगे। अब हमें मालूम है क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें इससे बड़ा नंबर इससे आगे लगाना है, और अगर बड़ा नंबर लगाना होता है तो हम सिंबल का यूज़ करते हैं, इसका मतलब है ये नंबर छोटा है और इससे आगे जो आने वाला है वो इससे बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें 342 बड़ा दिखता है, तो 342, इसके आगे अगर हम जाएं तो 472, से और आगे जाएं तो 610, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसका जो बाकी का क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होता है। तो अगर हम देखें तो ये 444, 777, 999, 333, यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है वो है 999, तो हम लिखेंगे 999। अब क्योंकि हमें इससे छोटा नंबर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं, तो इसका जो सिंबल है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, सिंबल लगेगा ये वाला, इसका मतलब है ये बड़ा नंबर है, जो आने वाला नंबर है वो इससे छोटा है, और इससे छोटा अगर हम इस सीरीज़ में नंबर ढूंढें तो हमें दिखता है 777, इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो 444, इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो 333, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 7, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें रफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको ए पार्ट दे रखा है, 7th का ए पार्ट, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, फॉर्म ऑफ 457 इज़। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हम देखें 457 की तो वो क्या होगी, तो हमें पता है एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो 7 का प्लेस है हमारा 1s, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 1 7, 5 का प्लेस है हमारा 10s, यानी कि हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 5 10s 50, और 4 का प्लेस है 100, तो 4 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी वो आएगी 400 प्लस 50 प्लस 7, दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन यानी बी पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 424 इज, आपको बी पार्ट में एक नंबर दे रखा है 424, और यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 की, यानी कि इस वाले 2 की। अगर आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए 2 किस प्लेस पे है, तो हमें पता है 2 किस प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो हम इसका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, 2 10s 20, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20। सी पार्ट पे आएंगे, द लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर इज, आपसे पूछा है 3-डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 9 का यूज़ करते हैं। आपको जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला जाए उतने टाइम आप 9
लिख देंगे 999। ये आपका आंसर। इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें एक भी प्लस कर देते हैं, मान लीजिए 999 है, अगर हम इसमें 1 भी प्लस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0001, ये हमारा हो जाएगा 1000। अब हम इस 1000 को अगर देखें, इसकी डिजिट काउंट करें, 1, 10, 100, 1000, तो ये हमारी 4 डिजिट हो जाती हैं। 4 डिजिट हमसे बोली नहीं गई थी, हमसे बोली गई थी 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के अकॉर्डिंग हमारा ये नंबर सही है। इसीलिए आप इतना याद रखें कि आपको लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए 9 का यूज़ करना होता है। जितने भी डिजिट का बोला हो उतने टाइम आप 9 का यूज़ कर लें। डी वाला पोर्शन देखेंगे। डी कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 741 इज, तो ये सेम क्वेश्चन है 741। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, क्योंकि इसका प्लेस 1 है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, क्योंकि इसका प्लेस 10 है। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्योंकि इसका प्लेस 700 है। और इसको हम लिख देंगे 700 प्लस 40 प्लस 1। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। ई वाला क्वेश्चन कह रहा है 472 इज देन 427, यानी कि हमें यहाँ पे सिंबल का यूज़ करना है। आप किस सिंबल का यूज़ करना है ये हम आपको बताएंगे। 472 क्या है 427 से, तो हमें मालूम है 472 इज ग्रेटर देन 427, तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए ये वाला सिंबल आता है। ये सिंबल हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फेल होती है, पूरी होती है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।